तीनों कृषि कानूनों की घोषणा के बाद आपको बता दें कई मंत्रियों के बयान सामने आए हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के हित को देखते हुए यह फैसला लिया है। मूलचंद शर्मा ने फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया। वहीं किसानों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह अच्छा कदम है और जनता के हित में जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, पहले भी जनता के हित में था और जनता की बनाई हुई सरकार है और किसान नहीं चाहते थे बिल लागू हों, और जनता के हित में जो देश के प्रधानमंत्री ने वापस लिए हैं, और ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र और प्रदेश में, ये लोगों की सरकार है और लोगों के हित में ये फैसला है। मैं प्रधानमंत्री जी के फैसले का स्वागत और धन्यवाद करता हूं और देश के हित में किसानों के हित में जो फैसला लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज का प्रधानमंत्री अगर किसानों से हमदर्दी के लिए हमदर्दी प्रदर्शित करता है एक साल के बाद, तो बड़ा अच्छा ये प्रस्ताव है और आगे देखते हैं पार्लियामेंट में किस रूप में आता है, कैसे इसको निरस्त किया जाता है, आगे के लिए क्या योजना बनती है, क्या प्रधानमंत्री जी क्या सुझाव रखते हैं आगे के लिए, तो ये सारा देखना पड़ेगा। लेकिन बड़ा ये अच्छा प्रशंसनीय है और किसानों के लिए एक तरीके से एक अच्छी जीत भी समझ